now we will do a very important topic structure and bonding of diborane now the structure of boranes that is special because they do not have enough valence electrons to form expected number of covalent bonds now if we uh, compare them with uh, uh, boron with carbon then uh, um, like boron it, it फॉर्म्स बी टू एच सिक्स एंड कार्बन इट इज फॉर्मिंग इथेन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो बोरॉन है इट इज नॉट हैविंग उसके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं कि इट कूड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड दे आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कम्पाउंड इनमें जो है एक ऑर्बिटल वेकेंट रहता है बोरॉन में और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कम्पाउंड माने जाते हैं Now, unique thing about the structure of you can see this is the electronic arrangement in diborane and this is in ethane. Now, two electrons here, two here, two here, <clears throat> two electrons here, two here, and two here. Now, bond between boron and boron is not formed. यू कैन सी हाउ इट विल बी फॉर्म बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे बोरॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बट दिस इज नॉट द केस विद इथेन इथेन में फोर्टीन है इलेक्ट्रॉन्स बाई वोरॉन इज हैविंग ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स सो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस इन बोरेन सो देअर फोर दे हैव स्पेसिफिक स्पेशल स्ट्रक्चर डाय बोरेन दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर ड्यू टू दिस लैक ऑफ ड्यू टू दिस डेफिशियंसी ऑफ now uh, this is the structure you can see this is the structure of diborane this is bridged structure of b2h6 this is boron hydrogen hydrogen these are the bridged hydrogens and this is the another boron hydrogen and hydrogen this hydrogen is the Terminal hydrogen and this is the bridging hydrogen. And distance between two boron atoms is 1.77 angstroms. So you can uh, look for the structure of diborane. These are called as the bridged hydrogens. These four black hydrogens so 1, 2, 3, 4, they are the terminal hydrogens. Now

फोर टर्मिनल हाइड्रोजनस आर मिथाइलेटेड चार जो टर्मिनल हाइड्रोजन हैं वो मिथाइलेटेड होती हैं, वाइव जो टू ब्रिज हाइड्रोजन हैं, दे आर नॉट दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नाउ नेचर ऑफ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन डाइबोरेन किस तरह के जो बॉन्ड है वो डायबोरेन में बनता है द बॉन्ड्स आर थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसको थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बोलते हैं विच आई विल एक्सप्लेन नाउ बी एच बी बॉन्डिंग बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर विच बाइंड थ्री एटम्स देर इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर तीन एटम्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं uh. involving one electron pair bond which uh, binds three atoms boron hydrogen and boron like this b h b bonding now you can see the uh, boron jo, uh, this is your boron now boron has um, uh, jo boron valence shell i use 2s2 टू पी वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वेलन शेल में तो ये ऑन हाइब्रिडाइजेशन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट विल मूव टू पी ऑर्बिटल तो टू एस वन टू पी टू इस तरह की इसका हाइब्रिडाइज एक्साइटेड स्टेट में जब ये हाइब्रिडाइज होने के लिए रेडी होता है उस वक्त होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये ये देखिए टू एस वन टू पी एक्स टू पी वाई एंड वन ऑफ द ऑर्बिटल जो होगा इसमें दैट विल बी द वेकेंट ऑर्बिटल और जो बोरॉन है इट अंडरगोज एसपी थ्री हाइब्रोडाइजेशन एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व जो वेकेंट इलेक्ट्रॉन है इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन हाइब्रोडाइजेशन नाउ बोरॉन अंडरगोज एसपी थ्री हाइब्रोडाइजेशन एंड इनवॉल्व टू एस एंड ऑल टू पी ऑर्बिटल इंक्लूडिंग द एम्प्टी वन एंड ऑप्टॉर फॉर हिड्रल अरेन्जमेंट तो जब यह हाइड्रब हाइब्रोडाइजेशन सिंस इट अंडर एसपी थ्री हाइब्रोडाइजेशन सो ऑब्वियसली व्हेन देर इज एसपी जब एसपी थ्री हाइब्रोडाइजेशन है होती है यू नो दैट द अरेजमेंट इज टेट्राहेड्रल, सो दिस इज द टेट्राहेड्रल, दिस इज दिस इज द एम्प्टी ऑर्बिटल इस तरह का ये टेट्राहेड्रल अरेजमेंट ऑप्ट करता है देन नेक्स्ट वी हैव नाउ वेरी इंपॉर्टेंट देर आर ऑबली एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन जब है टोटल ऑफ फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल सो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच बोरॉन एटम ओवरलैप विद वन एस ऑर्बिटल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स जो दो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये जो बोरॉन है यू कैन सी टू फोर हाइब्रिड एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो जो दो ऑर्बिटल्स हैं, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे विल ओवरलैप विद वन एस ऑर्बिटल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म टू टर्मिनल बी एच पॉन्ट्स ये देखिए ये वाला बोरॉन है ये इसका uh, जो फिल्ड ऑर्बिटल है उसका ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो गया ये दूसरा बोरॉन एटम है यहाँ भी ये हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाएगा टू फॉर्म दे ये कौन सी हाइड्रोजन है टू फॉर्म द बॉन्ड विथ टर्मिनल हाइड्रोजन ये टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हो जाए दिस विल दिस ओवरलैप विलकर एंड टू हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बोरॉन एटम जो बाकी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोरॉन में बच गए उनमें से वन ऑर्बिटल वन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया एंड अनदर वन जो दूसरा है वो वेकेंट है That you know, अभी हमने उसका पीछे जो था ऑर्बिटल का वो देखा था अरेन्जमेंट एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइज स्टेटमेंट में हाइब्रिडाइज uh, स्टेट में तो वहां आप देख सकते हैं कि दो तो हाइड्रोजन के साथ दो ने बॉन्ड बना लिया दो बच के जिनमें से एक वेकेंट है और एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया सो नाओ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल ओवरलैप विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ ए बोरोन एटम जो इसका एक दो ना अब इसका जो एक अनपेर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है वो ओवरलैप किसके साथ करेगा दूसरे बोरॉन के ऑर्बिटल के साथ जो एम्पटी है जो खाली है जिसमें आ, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड साइमल्टेनियसली और साथ साथ ही वो ओवरलैप करेगा विद वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम वन एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन जो इसमें है ये हाइड्रोजन जो आएगी उसके साथ भी ओवरलैप करेगा जो ठीक uh, है so, this, जो एक, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है बोरॉन का वो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ दूसरे बोरॉन के एम्प्टी ओवर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और साथ ही साथ वो वन एस ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन uh, का है उसके साथ भी ओवरलैप करेगा टू फॉर्म दिस ब्रिज्ड बी एच बी ब्रिज्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रिज बॉन्ड दिस ब्रिज्ड बॉन्ड टू फॉर्म दिस ब्रिज्ड बॉन्ड इसको बनाने के लिए ये ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह का जब हम बोलेंगे तो उसको इस तरह का जब बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड देर आर थ्री सेंटर्स वन दिस वन दिस एक ये बोरॉन एक ये बोरॉन और एक ये हाइड्रोजन बी एच बी और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है कहां से आया वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बोरॉन का था और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन वो वनएस है जो हाइड्रोजन का जो वन एस ऑर्बिटल है उसका है तो वो ये तीन ये जो एटम्स हैं वो शेयर करेंगे कौन एक बोरॉन जिस दूसरा ये हाइड्रोजन और तीसरा ये जिसके तीसरा ये वाला भालाबोरॉन जिसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है दूसरी तरफ इस तरह ये टू स्ट्रक्चर्स बनेंगे अब इसका जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वो तो यूज हो गया यहाँ पे अब इसका एक वेकेंट भी है सिमिलरली इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो तो यूज हो गया यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए इसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है तो अगेन इधर भी देर सेम बाय सेम प्रोसीजर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बी एच बी बॉन्ड इसका जो एम टी ऑर्बिटल है इसका जो फिल्ड ऑर्बिटल uh, के साथ और साथ ही साथ हाइड्रोजन के वन एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा टू फॉर्म बी एच बी बॉन्ड दिस इज कॉल्ड एज थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एंड दिस गिव्स राइज टू As, and this is the um, this is the structure of diborane now this bond involves three atoms two boron atoms and one hydrogen atom and contains only one pair of electrons yes one electron from boron and one from hydrogen therefore it is called as three center electron pair bond or three nuclei electron pair bond that is why this is the name of this bond नाउ बिकॉज ऑफ इट्स टिपिकल शेप बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन थ्री एटम्स इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ बनाना बी एच बी बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजेनियर ये लाइक दिस बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बी एच बी बॉन्ड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं बी एच एंड बी दिस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है बी दीज आर द्रिज हाइड्रोजन दीज आर द टर्मिनल हाइड्रोजन सो दिस इज ऑल्सो दैट इज बाय बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे थैंक यू